मसरक प्रखंड में प्रवासी लोगों के दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की वजह से कामकाज करने वाले मजदूर काम बंद होने से बिहार की तरफ पैदल दूसरे स्थानों से अपने घर पहुंचने पर सरकार द्वारा प्रखंड क्षेत्र में खुले क्वारंटाइन सेंटर सभी को घर परिवार से अलग रखा गया है, जहां खाने पीने और प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। सोमवार तक 337 प्रवासी लोगों को सेंटर पर रखा गया है। वहीं कोटा से आए 18 छात्रों का स्वास्थ्य जांच और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से जांच के बाद घरों में ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया। सोमवार को जिले से आई कोरोना जांच मेडिकल टीम ने पहुंच वैसे 25 संदिग्ध मरीजों को गले का स्वाब सैंपल लेकर जांच के लिए ले गए। सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से आए प्रवासी लोगों को प्रखंड में अभी डिग्री कॉलेज मसरक, इंटर कॉलेज और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसरक में खुले क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है। वहीं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक परवेज रजा ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आधा दर्जन मेडिकल टीम सेंटर पर जा पहुंची है। वह सेंटर पर 3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात व अन्य राज्यों से आए 25 लोगों का गले का स्वाब कोरोना जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी। सेंटर पर भी सभी प्रवासी लोगों को अलग अलग रखा गया है। मौके पर BDO राजीव कुमार सिन्हा, थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा, डॉक्टर मनोरंजन कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, स्वास्थ्य प्रबंधक परवेज रजा मौजूद रहे। जी कौन टीम जांच कर रहा है सर? हाँ, मेडिकल टीम आई हुई है यहाँ मसरक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और मसरक हाई स्कूल में जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं 3 दिन के अंदर, उनका रैंडमली 20 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। इनकी जांच 2 से 3 दिन में आ जाएगी। पूरी टीम आई हुई है जांच करने।